दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विधानसभा में पानी लाइन का शुभारंभ किया गया। पूर्वी दिल्ली परपड़गंज विधानसभा में शास्त्री मोहल्ला की झुग्गियों में लोग पिछले काफी समय से पानी की किल्लत झेल रहे थे। वहीं जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दौरा किया तो लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिसमें सबसे गंभीर समस्या पानी की किल्लत थी। उसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने कुछ ही दिनों में यहां पर पानी की पाइपलाइन का काम शुरू करवाया और आज इस पाइपलाइन का कार्य पूरा होने पर लोगों की समस्या दूर हो गई। इस पाइपलाइन की शुरुआत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारियल फोड़कर और मिठाई बांटकर की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आभार जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब हर घर में पानी पहुंचेगा। वहीं लोग जहां दूर दूर से पानी भरकर लाते थे, अब उन लोगों को अपने ही घर पर पीने का पानी 24 घंटे उपलब्ध होगा। धन्यवाद मनीष सिसोदिया जी का, जो जनता की परेशानी को उन्होंने बहुत जल्दी हल किया है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पानी को लेकर के परेशान थी। पानी पहले आ रहा था लेकिन उसका फ्लो बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे कुछ जो असामाजिक तत्व जो है राजनीति कर रहे थे पानी को लेकर के। लेकिन जैसे ही मनीष जी ने यहाँ पर आकर दौरा किया, उन्होंने देखा पानी की दिक्कत है, तो उन्होंने तुरंत इस प्रभाव से इस काम को कराया और आज यहाँ की जनता बहुत खुश है। गंगा वाटर उनको मिल रहा है, 24 घंटे के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है। तो इसके लिए हम सब आम आदमी पार्टी की मनीष सिसोदिया से यहाँ खड़े हुए हैं और उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मनीष जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो पटपड़गंज विधानसभा में यूजीआर चल रहा है, वो कब तक तैयार होगा? वो बहुत जल्दी तैयार होने जा रहा है। कुछ 1.5 किलोमीटर की लाइन रह गई है जोड़ने के लिए, जैसी वो जुड़ जाएगी पानी की व्यवस्था वो भी चालू होने जा रही है। किस किस एरिया को पानी दिया जाएगा उस यूजीआर प्लांट से? मयूर विहार का पूरा एरिया कवर हो रहा है, जिसमें चिल्ला तक भी पानी वहाँ यहाँ से जाएगा पानी के अंदर। शशि घाट पूरा होगा, पटपड़गंज पूरा होगा। बिना मोटर के पानी जो है 2-2, 3-3 फ्लोर तक जाएगा। यहाँ से पानी की लाइन बहुत बढ़िया पानी की लाइन डल गई और पूरे इलाके में बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। तो इसके लिए हम फिर दोबारा एक बार मनीष जी का आभार करते हैं। उपलब्धि जो कि लोगों ने लेटर लिख के दिए मनीष जी को, मनीष जी ने ये जितना जल्दी से जल्दी हो सका ये कार्य कराया और कल यहाँ पानी चालू हो जाएगा, इसके लिए मनीष जी का धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी का 12वां वार्ड अध्यक्ष हूँ प्रवीण जी। आज यहाँ पर किस चीज़ का उद्घाटन किया आप लोगों ने? आज हम आम आदमी पार्टी के तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शास्त्री मोहल्ले में काफ़ी समय से पानी की समस्या थी। आज गंगा वाटर लाइन से पूरे शास्त्री मोहल्ले महात्मा गांधी कैंप के लिए मनीष सिसोदिया जी के आदेश पर ये कनेक्शन हुआ है और अब 24 घंटे शास्त्री मोहल्ले में, महात्मा गांधी कैंप में, रामप्रसाद बिस्मिल कैंप में, पाँचों कैंप में गंगा वाटर 24 घंटे। इसके लिए आज हम यहाँ सारे साथी इकट्ठा हुए हैं और लोगों में बहुत खुशी है। काफ़ी लोग, काफ़ी दिनों से कॉलोनी के लोग, पार्टी के हमारे साथी सब इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे और आज ये मनीष जी के आदेश पर आज ये काम हुआ। जो पानी का ये कनेक्शन किया है, ये क्या सबके घर घर में कनेक्शन किया जाएगा? इसके लिए लाइन हमारी ऑलरेडी पूरे शास्त्री मोहल्ले में है। अभी हमने जगह जगह पर 10 घर पे एक कनेक्शन दे रखा है, अब उसमें प्रॉपर पानी आएगा। पहले क्या था कि लाइन में छोटी में कनेक्शन था जिससे फ्लो कम था, पानी पहले भी आ रहा था लेकिन उसका फ्लो कम था। लास्ट तक जो बांधे हैं उधर पानी नहीं पहुंच पाता था, आगे आगे के लोगों को पानी मिलता था, लेकिन अब पूरी बस्ती में पानी मिलेगा और पूरा पानी मिलेगा। सुबह भी 2-3 घंटे, शाम को भी 2-3 घंटे प्रॉपर पानी आएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।